एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो आज है शनिवार, तो जिन लोगों ने मेरे साथ जुड़े हैं, मेरी छोटी सी फैमिली में मेंबर्स बने हैं, तो उन सब लोगों को पता होगा कि हम लोग शनिवार को नॉनवेज खाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक नॉनवेज रेसिपी। तो चलिए फिर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ वो क्या है। ये है प्रॉन्स जो हम कल इवनिंग को लाके उसको अच्छे से क्लीन करके इसका जो हेड का जो पार्ट होता है और यहीं पे जो है उनका जो रहता है वो सब अच्छे से क्लीन करके धो के इसको मैं डीप फ्रीज में रख दिया था। तो आज मैं लंच में मैं इसको बनाने वाली हूँ। तो इसको आलू दे के जिंजर गार्लिक पेस्ट दे के मैं इसको बनाऊंगी, तो वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। और लंच के लिए चावल भी बनेगा और यहाँ पे मैं चावल भी चढ़ा दिया हूँ। और पहले हम इस प्रॉन्स में नमक एंड हल्दी डाल के इसको थोड़ा सा मैरिनेट कर लेंगे, फिर हम इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। और इसके बाद कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। तो मैं ये वाला जो रेसिपी है ये मस्टर्ड ऑयल में ही बनाने वाली हूँ। ये है मस्टर्ड ऑयल। तो कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गया है, अभी हम मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे और ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें प्रॉन्स डालेंगे। फ्राई हो गया अच्छे से, देखिए ऐसे करा रहो के फ्राई करना इसको। प्रॉन्स अच्छे से हो गया है। तो यहाँ इसमें हम कार निकाल लेंगे और अभी आगे का प्रोसेस जो है वो करेंगे। और यहाँ पे मैं आलू टमाटर प्याज सब कुछ अच्छे से चॉप कर लूंगी। और आलू काटने के बाद
आलू में नमक और हल्दी डाल के अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। आलू अच्छे से फ्राई हो गया है, अभी हम इसको निकाल देंगे और मसाला की तैयारी करेंगे। मसाला बनाने के लिए हम पे मैं और थोड़ा सा ऑयल लूंगी और ऑयल में एक तेज पत्ता डालूंगी। ऑयल गर्म होने के बाद, ऑयल गर्म हो गया है में हम डालेंगे तेज पत्ता और ये कटे हुए प्याज। प्याज को अच्छे से भूनेंगे। प्याज अच्छे से भून गया है, अभी हम इसी स्टेज पे डाल लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट जो मैं हमेशा फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ, तो इसमें से 2 चम्मच डाल दूंगी मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। और साथ साथ ही इसमें डाल दूंगी कटे हुए टमाटर। और सारे पाउडर मसाले जैसे कि हल्दी पाउडर, नमक, हाँ मिर्ची पाउडर, गरम मसाला पाउडर, इतना ही डालूंगी। मसाला जो है अच्छे से भून गया है, अभी इसी स्टेज में हम डाल देंगे ये फ्राई किया हुआ आलू और आलू को मसाले के साथ और थोड़ी देर भूनेंगे। आलू अच्छे से भून गया है मसाले के साथ, इसी तरह से हम डाल लेंगे पानी। पानी में बॉयल आने के बाद, आलू अच्छे से बॉयल होने के बाद हम इसमें फ्राई किया हुआ प्रॉन्स जो है वो डाल देंगे। आलू जो है अच्छे से बॉयल हो गया है ये देखिए, और इस स्टेज में हम डाल देंगे वो जो फ्राई किया हुआ प्रॉन्स जो है यहाँ पे रखा हूँ, ये इसमें डाल देंगे। बस 2 मिनट बस और इसमें उबाल आने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हमारा प्रॉन्स करी जो है बन के रेडी है। ग्रेवी जो है वो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो।